इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने आवास पर एक कार्यक्रम के तहत कोविड के दौरान पत्रकारिता का निर्वहन करते हुए शहीद हुए 53 पत्रकारों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की। इस अवसर पर दिवंगत पत्रकारों के परिजनों के अलावा अनेक पत्रकार और पत्रकार संगठनों के पदाधिकारी तथा प्रदेश सरकार के अधिकारी मौजूद थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पत्रकारों की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि विश्व में कोरोना की अनेक लहरें आईं, भारत भी उससे अछूता नहीं रहा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में इस महामारी पर काबू पाया गया और अब एक नई लहर की आहट सुनाई देने लगी है। उन्होंने कहा कि कोविड टीकाकरण में हेल्थ वर्कर के बाद सबसे पहले कोरोना वॉरियर्स के रूप में पत्रकारों को वरीयता दी गई। दिवंगत पत्रकारों के परिवारजनों को इस बात के लिए भी आश्वस्त करता हूं कि जिनके बच्चे छोटे होंगे, निराश्रित हैं, उन्हें अन्य शासन की योजनाओं के साथ भी जोड़ने की कार्रवाई के साथ हम आगे बढ़ेंगे। खासतौर पर निराश्रित महिला पेंशन की कार्रवाई जहां पर दी जानी है, इस कार्रवाई को सूचना विभाग ही अपने स्तर पर आगे बढ़ाने का कार्य करें। जो बच्चे स्कूल कॉलेजेज में पढ़ रहे हैं, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत 4,000 रुपए की मासिक जो उनको राशि उपलब्ध करवाई जा रही है, उस योजना के साथ उन्हें आच्छादित करने का कार्य हो, या फिर पीएम निधि के साथ में जोड़ने के लिए भी एक कार्रवाई कि बच्चे 23 साल के हो जाएं तो उसके बाद वे आर्थिक रूप से स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर हो सके, वहां जोड़ने की कार्रवाई उनके साथ हो जाए। तो वास्तव में केवल वह अपने को अलग थलग महसूस नहीं करेगा, वह भी अपने को मानेगा कि मैं भी इस व्यवस्था का पार्ट हूं और उस व्यवस्था के अंग के रूप में वह भी मजबूती के साथ अपने आप को जोड़ पाएगा। और यह संकट का दौर था, संकट के इस दौर में यह लड़ाई आपकी अकेले नहीं, हमारे लक्ष्य पर पहुंचने के रास्ते अलग हो सकते हैं लेकिन उद्देश्य समान है।